ऑप्टिक्स पे। सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे कि हमारे लाइट के नेचर को न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या कहती है। न्यूटन भाई साहब का कहना हुआ कि एक्सट्रीमली माइन्यूट मतलब वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल, वेरी लाइट एंड इलास्टिक पार्टिकल बीइंग कॉन्स्टेंटली एमिटेड बाय एन ऑल इल्यूमिनेटेड बॉडीज लाइट सोर्स इन ऑल डायरेक्शंस विच आर नोन एज कॉर्पसल्स। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, बहुत ही हाई स्पीड से चलने वाले होते हैं और परफेक्टली लाइट होते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये निकलते हैं किसी भी लाइट सोर्स में से। इस पार्टिकल्स को हम लोग कॉर्पसल्स कहते हैं। दीज कॉर्पसल्स ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी होती है। When these corpuscles strikes on retina of our eyes and they produce the sensation of vision, ये बहुत ही छोटे होते हैं, ये किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो सभी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये हमारे आई लेंस में से भी ट्रैवल करते हुए ये हमारे रेटिना पे जब टकराते हैं तो ये हमें सेंसेशन ऑफ विज़न देते हैं। Velocity of these particles in vacuum is 3×10⁸ meter per second and in different medium it is different from 3×10⁸. The different color of light is due to different size of these corpuscles. अलग अलग corpuscles के अलग अलग size होते हैं और उनके size के behalf पे Newton ने बोला कि ये color का sense कराते हैं। द रेस्ट मास ऑफ दीज कॉर्पसल्स आर ज़ीरो, इसीलिए ये अंडर ग्रेविटी इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं एट्सेट्रा। द वेलोसिटी ऑफ दीज कॉर्पसल्स इन एन आइसोट्रॉपिक मीडियम इज सेम एंड इन ऑल डायरेक्शन बट दे चेंजेस विद द चेंज इन मीडियम। इसी की वजह से वाटर में इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट ग्लास में इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। दीज कॉर्पसल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है अनलेस इसके मीडियम को चेंज ना किया जाए। और मीडियम में भी चेंज करते वक्त यदि ये ऑब्लिकली एंटर नहीं करते हैं तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेंगे। दीज कॉर्पसल्स आर इनविजिबल, ये जो पार्टिकल होते हैं ये इनविजिबल होते हैं, इसे हम सिंपल आँखों से नहीं देख सकते। और जब इतनी सारी थ्योरीज़ को लेकर के लाइट के हम लोगों ने मोशन को देखा तो हमारा कहना हुआ कि अब लाइट को जब हम वेव फॉर्म में देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे। इसके लिए 16th सेंचुरी में हमारे हाइगेंस भाई साहब ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया। उनने कहा कि लाइट जो है वो वेव है। लेकिन जब हम 16th सेंचुरी के बारे में सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि इन 16th सेंचुरी ओनली मैकेनिकल वेव एग्जिस्ट दैट टाइम In which medium is required, जिसमें medium की ज़रूरत होती थी उस ज़माने में। ये जो theory दी गई वो उस behalf पे ही दी गई कि light mechanical wave है जिसमें medium required है, ठीक है। This theory was in enunciated by Huygens in a hypothetical medium known as luminiferous ether. बहुत ही अच्छी बात है, इनने जो बोला है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि
कि हाइगन ने बोला कि मीडियम इज रिक्वायर्ड उस जमाने में, क्योंकि वही वेव काम करते थे जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होते थे। तो फिर ऐसे वक्त में जो मीडियम रिक्वायर्ड वेव हैं उसे मैकेनिकल वेव कहते हैं। हाइगन के पास ये प्रॉब्लम थी कि वो कैसे करके लाइट को ट्रेवल कराएगा फ्रॉम सन टू अर्थ। लाइट क्योंकि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल वेव। तो फिर जब प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल वेव के अकॉर्डिंग लाइट वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, तो हम कैसे करके ये एक्सप्लेन करें कि सन से लाइट अर्थ तक पहुंचती है। तो हाइगन ने बोला कि द होल यूनिवर्स जिसमें सभी कुछ है, वो पूरा का पूरा एक मीडियम से बना हुआ है। ये मीडियम इलास्टिक है और ल्यूमिनोफेरस है। ल्यूमिनोफेरस मीडियम है। तो ये दो प्रॉपर्टी की वजह से अब बोला गया कि लाइट जो है वो पूरा का पूरा यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम हमने एज्यूम कर लिया है। हाइगेन ने पूरे यूनिवर्स को ऑप्टिकली एक्टिव बताया, बताया कि ये पूरा का पूरा ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम है। इस मीडियम को इसने नाम दिया इथर। यहाँ पर इथर नाम है, न कि कोई केमिकल फॉर्मूला है या किसी केमिकल का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ मीडियम। और जब ऐसा हो गया तो इथर इज दैट इमेजिनरी मीडियम विच प्रिवल्स इन स्पेस एंड इट इज आइसोट्रॉपिक परफेक्टली इलास्टिक एंड मासलेस। वही बात कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को इथर नाम से डिक्लेयर कर दिया, लेकिन फिर उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि इथर इज एन इमेजिनरी मीडियम जो क्या है, आइसोट्रॉपिक है, परफेक्टली इलास्टिक है और मासलेस है, जिसमें वैक्यूम भी आते हैं, एयर भी आते हैं, सभी तरह के मीडियम आते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो हमने बोला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉन्स्टेंट बट चेंजेस विद द चेंज इन मीडियम। बनी बात है, एक ही मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम डिपेंडेंट है। ये अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो इसके हिसाब से बोला गया कि इट इज कांस्टेंट इन अ मीडियम बट इट वेरीज विथ डिफरेंट मीडियम। दिस थ्योरी इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। जितने भी तरह के वेव्स बोले गए सभी पर ये थ्योरी वैलिड थी। 16th सेंचुरी के हिसाब से हाइगन ने जो थ्योरी दी थी वो उस वक्त के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि 16th सेंचुरी में जब साइंस इतना डेवलप नहीं किया था, तो हाइगन के थ्योरी को आने वाले समय में उसने वेव के प्रोपोगेशन के लिए जो थ्योरी दिया, कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट दिया, वो सभी लोगों ने उसको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाए। तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं इसके आगे की बातें जो बहुत ही समझने जैसी है। ये है हमारे पास में वेव फ्रंट। हाइगेन का कहना हुआ कि जैसे हमारे पास एक सोर्स है, एक ये सोर्स है और इससे लाइट निकल रही है। लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव जो सोर्स से निकल रही है और एक कांस्टेंट फेज पे सोर्स से निकलती है। तो जब ये लाइट यहाँ से निकल रही है तो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, सभी के सभी वेव एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये सेम फेज में आते हैं, सेम फेज से चलना शुरू करते हैं और सर्टेन डिस्टेंस चल के वापस से ये सेम फेज में रहते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये वेव इक्वल डिस्टेंस चलकर सेम फेज में आते हैं।
ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां पर ये सभी लाइट सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हों, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट एट विच ऑल वेव्स आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। एन इमेजिनरी प्लेन एट ऑल पॉइंट ऑन विच ऑल वेव्स आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिस पे सभी के सभी वेव सेम फेज में वाइब्रेट होते हों, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। जैसा कि हम लोग बताना चाह रहे हैं कि ये जो वेव फ्रंट है एक मीडियम में एक जैसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर ये लाइट इस डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कंटिन्यूस वेव फ्रंट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हमने बोला कि सपोज यहाँ पर हमारे पास का सरफेस लाइट सोर्स प्लेन है, हमारे पास का लाइट सोर्स प्लेन है, ये है हमारे पास का लाइट सोर्स। यहाँ से निकलने वाली लाइट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद सेम फेज में आती है। तो हमने बोला कि यहाँ पर देखते हैं, ये एक इमेजिनरी प्लेन, इस प्लेन पर पूरी की पूरी लाइट वेव सेम फेज में वाइब्रेट हो रही है, तो ये इमेजिनरी प्लेन क्या कहलाएगा? वेव फ्रंट कहलाएगा। ये इमेजिनरी प्लेन जिस पर सारी की सारी वेव सेम फेज में वाइब्रेट होती है, इसे हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। इस तरह से जितनी बार वेव सेम फेज में वाइब्रेट होगी वो सभी पॉइंट वेव फ्रंट्स कहलाएंगे। नाउ लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। हाइगन ने बोला कि लाइट आगे फर्दर प्रोपोगेट नहीं हो रही है, लाइट क्या कर रही है? लाइट अगले वेव फ्रंट को बना रही है, उसके बाद उसके आगे की लाइट आगे के वेव फ्रंट को बना रही है। इस तरह से वन बाय वन करके लगातार वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होते जा रहा और लाइट क्या हो रहा, नए सरफेस को डेवलप करती जा रही है, और वो सरफेस लाइट का सरफेस है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। When light travels in a medium, then the particle of medium starts vibrating and consequently a disturbance is created in the medium. बिल्कुल, क्योंकि यह हमने बोला है कि लाइट इज मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव में एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है मीडियम में। क्योंकि लाइट मैकेनिकल वेव है तो वो मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, और मीडियम में जो है पार्टिकल जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे, और ये मीडियम में आगे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करते जाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइट का प्रपोगेशन एक मैकेनिकल वेव जैसे होगा। अकॉर्डिंग टू हाइगेन, लाइट का प्रपोगेशन एक मैकेनिकल वेव जैसे होगा जिसमें लगातार एक डिस्टरबेंस, देन नेक्स्ट डिस्टरबेंस, देन नेक्स्ट डिस्टरबेंस, इस तरह से वन बाय वन डिस्टरबेंस लगातार होता रहेगा। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिकम द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। हाँ, अब यहाँ पर जो है इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा इसके डिटेलिंग में आते हैं। हो क्या रहा है कि ये है हमारे पास का एक सोर्स, जरा हम लोग इसे ध्यान से देखें। हो क्या रहा है इसमें, इसमें एक्चुअल में कुछ ऐसा है कि यहाँ से निकलने वाली लाइट पहली बार सेम फेज में आके वाइब्रेट हो रही है, इस डायरेक्शन में निकलने वाली लाइट, इस डायरेक्शन में निकलने वाली लाइट, इस डायरेक्शन में निकलने वाली लाइट, इस तरह से बहुत सारी लाइट निकल रही है, और
इसकी वजह से हो क्या रहा है कि यहाँ पर सारी की सारी लाइट सेम फेज में वाइब्रेट हो रही है। ज़रा देखते हैं तो हम भी इस फोटो में बहुत ही क्लियर बोल सकते हैं कि ये जो रेड कलर का हमने सरफेस दिया है, इस सरफेस पर हमेशा वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब फेज़ ऑफ 90 डिग्री है। और फेज़ ऑफ 90 डिग्री है मतलब ये सारे के सारे सेम फेज़ में वाइब्रेट हो रहे हैं, ये सारे के सारे वेव फ्रंट सेम फेज़ में वाइब्रेट हो रहे हैं एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हाइगन ने फर्दर एक बहुत अच्छी बात बोली कि ऑल पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट, ऑल पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट बिहेव इटसेल्फ लाइक एन इंडिपेंडेंट सोर्स। हाइगन ने कहा कि वेव फ्रंट पर के सारे पॉइंट अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सोर्स जैसा बिहेव कराएंगे, एंड दे विल प्रोड्यूस वेव नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मेरा कहना हुआ कि जिसमें सभी के सभी प्लेन, ऐसा प्लेन जिस पर सभी वेव सेम फेज में वाइब्रेट होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। लोकस ऑफ द पॉइंट वेयर ऑल वेव्स आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अब हमारा कहना हुआ कि दीज पॉइंट्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स, वेव फ्रंट पर के पॉइंट, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट सोर्स जैसा बिहेव कराएंगे। अब आप बोलोगे सर इंडिपेंडेंट सोर्स जैसा बिहेव कराने का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। तो हाइगन के अकॉर्डिंग ये अपनी वेव को रिलीज करेंगे। जी हाँ, ये खुद की वेव को रिलीज करेंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये खुद की वेव को रिलीज कर रहे हैं, ये एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, चौथी वेव, पांचवी वेव, छठी वेव, सातवीं वेव, आठवीं वेव। दीज वेव्स आर नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। कौन सी, जो वेव फ्रंट पर के पॉइंट से जो वेव निकलती है इसी को हम लोग सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। कौन सी, जो वेव फ्रंट पर के पॉइंट से निकलती है उस लाइट को हम लोग सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट कम्स हियर कि ये हमारे पास में हाइगन ने बोला इसी तरह से सभी जगह पर से ऐसे सेकेंडरी वेवलेट निकलेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक वेव है तो वापस से एक वक्त के बाद ये सेम फेज़ में वाइब्रेट करने वाली है। क्योंकि ये एक वेव है ये इसीलिए सेम फेज़ के बाद, सेम टाइम के बाद में सेम फेज़ पे वाइब्रेट करने वाली है। इसका मतलब इस पॉइंट पर वाइब्रेशन हुआ, इसके एग्जैक्टली पड़ोस वाले पॉइंट पर वाइब्रेशन हुआ, इसके एग्जैक्टली पड़ोस वाले पॉइंट पर वाइब्रेशन हुआ, एग्जैक्टली पड़ोस वाले पॉइंट पर वाइब्रेशन, पड़ोस वाले पॉइंट पर वाइब्रेशन। ये सारे के सारे वो प्लेन हैं जिस पर सेकेंडरी वेवलेट सेम फेज में वाइब्रेट होती हैं। हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऑल पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट बिहेव इटसेल्फ लाइक एन इंडिपेंडेंट सोर्स एंड दे विल प्रोड्यूस वेव नोन एज सेकेंडरी वेवलेट। ये सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट हो गई। टाइम के साथ, ड्यूरिंग विद द टाइम, विद द चेंज इन टाइम, ऑल वेव्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, ऑल सेकेंडरी वेवलेट्स आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट सेम फेज में वाइब्रेट कर रही है, तो इसे हम लोग वापस से बोलेंगे कि ये सेम फेज में वाइब्रेट कर रही है, तो ये वो इमेजिनरी प्लेन है जिस पर सारी की सारी सेकेंडरी वेवलेट सेम फेज में वाइब्रेट कर रही है। तो जब इस तरह से हमने सभी पॉइंट का लोकस बनाया तो हमारे ये समझ में आ रही है बातें कि ये हमारे पास एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस बन रहा है। सभी बहुत ही ध्यान से देखने की चीज़ है, ये एक हमारे पास का एक इमेजिनरी सरफेस बन रहा है, ये हमारे पास का एक इमेजिनरी सरफेस बन रहा है। सर ये कैसा इमेजिनरी सरफेस है? सर ये ऐसा इमेजिनरी सरफेस है जिस पर सभी सेकेंडरी वेवलेट
सेम फेज में वाइब्रेट होती है। बहुत ही ध्यान से देखें, यहाँ पर की भी वेवलेट, 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 सभी के सभी वेवलेट यहाँ पर सेम फेज में वाइब्रेट हो रही है। सभी के सभी वेवलेट यहाँ पर सेम फेज में वाइब्रेट हो रही है। ये जो इमेजिनरी प्लेन है, ये जो इमेजिनरी प्लेन है जिस पर सभी वेवलेट सेम फेज में वाइब्रेट हो रही है, दिस सरफेस इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। फिर से मैं रिपीट करूंगा, सोर्स से जब पहली बार लाइट निकली और वो सेम फेज में आके वाइब्रेट होती है तो उसे वेव फ्रंट कहेंगे। सोर्स से जब लाइट निकली और पहली बार आकर के वाइब्रेट हो रही है तो उसे वेव फ्रंट कहेंगे। बच्चे लोग कंफ्यूज मत होना, बोला जाएगा कि नहीं वेव फ्रंट भी तो कौन सा वेव फ्रंट, तो इसे हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट भी कह सकते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट भी कह सकते हैं कि ये है आपका प्राइमरी वेव फ्रंट। उसके बाद जब ये सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट निकलने लग गई, प्राइमरी वेव फ्रंट पर के सारे पॉइंट से जो वेव निकल रही है उसे हम लोग सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। ये जो सेकेंडरी वेवलेट है ये वापस से जब सेम फेज में वाइब्रेट होती है तो लोकस ऑफ दीज ऑल पॉइंट्स ऑन विच सेकेंडरी वेवलेट्स वाइब्रेट इन सेम फेज इज नोन एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। है तो ये वेव फ्रंट, और क्योंकि ये वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट पर के सारे पॉइंट अपने आप को किसके जैसा बिहेव कराएंगे, सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस करने वाले सोर्स जैसा। All points on wavefront behave themselves like independent source and they will produce wave known as secondary wavelet. और इसीलिए मैं बार बार याद दिला रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरी जनरली बच्चों को नहीं मालूम रहती है या फिर नहीं याद रहता। इसीलिए ये वेवफ्रंट पर के सारे पॉइंट वापस से अपने आप को इंडिपेंडेंट सोर्स जैसा मानते हुए ये बन गया एक सोर्स, ये बन गया एक सोर्स, ये बन गया एक सोर्स, इस तरह से ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट सोर्स बन गए हैं, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट सोर्स बन गए हैं। तो ये सारे के सारे जो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। ये जो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। और फिर वापस से जब ये सेकेंडरी वेवलेट सेम फेज में वाइब्रेट होने लग जाएगी, सेकेंडरी वेवलेट सेम फेज में वाइब्रेट होने लग जाएगी, सेकेंडरी वेवलेट सेम फेज में वाइब्रेट होने लग गई है, ये सेकेंडरी वेवलेट सेम फेज में वाइब्रेट होने लग गई है, इस तरह से जब इनका सेकेंडरी वेवलेट का सेम फेज में वाइब्रेशन हो रहा है तो ये जो इमेजिनरी प्लेन है जिसमें सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट सेम फेज में वाइब्रेट कराती है, होती हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस इमेजिनरी प्लेन को फिर से सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे, इसे हम लोग फिर से सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे। कहने का क्या मतलब निकल रहा, कहने का मतलब निकल रहा वेव प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट प्राइमरी वेव फ्रंट, अगेन सेकेंडरी वेवलेट, फिर से प्राइमरी वेव फ्रंट, फिर से सेकेंडरी वेवलेट। इस तरह से हाइगन ने कहा कि लाइट जो है वो वन टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इस तरह से लगातार आगे फॉरवर्ड होती जाएगी। हाइगन ने यही बोला था, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। लाइट सेकेंडरी वेवलेट या फिर रेज के फॉर्म में ट्रेवल नहीं करेगी, ये किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी, सेकेंडरी वेवलेट के फॉर्म में ट्रेवल करेगी। और इस तरह से आगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से लगातार आगे वेव फ्रंट बनती जाएगी। और हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर यदि मेरे पास आज के बाद से एक सोर्स है, यदि ये एक सोर्स है तो ये पहला वेव फ्रंट, ये दूसरा वेव फ्रंट, ये तीसरा वेव फ्रंट, ये चौथा वेव फ्रंट, और इस तरह से लगातार वेव फ्रंट बनते जाएंगे।
और लाइट आगे बढ़ती जा रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। लाइट जो है इस तरह से अलग अलग वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है और इस तरह से वो लॉन्ग डिस्टेंस को अप्रोच करेगी। आगे हम देखेंगे कि इस तरह से जब हम लोग सोर्स को चेंज करेंगे तो वेव फ्रंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है बच्चों।